कहने को रबड़ी इस दुनिया की सबसे सिंपल मिठाई है, लेकिन अच्छी रबड़ी बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां की रबड़ी के सामने भारत की लगभग सभी रबड़ियां फेल हैं, और यहां पर एक दिन के अंदर 400 किलो से ज्यादा दूध से रबड़ी बनाई जाती है। तो अगर आपको रबड़ी जरा वरा सी भी पसंद है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में यहां की बहुत ही मशहूर हन्नोलाला रबड़ी वाले की दुकान पर, तो देखिए रबड़ी बनाई जाने के लिए सबसे पहले यहां पर दूध लिया जा रहा है, और जितना भी दूध यहाँ पे रबड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो सारा शुद्ध भैंस का दूध होता है। ना तो पैकेट वाला दूध यूज किया जाता है, ना गाय वाला दूध यूज किया जाता है। तो देखिए जितना भी दूध आया है वो सारा बाल्टियों में बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ से जाएगा कढ़ाई में जहाँ पर इसे उबाला जाएगा रबड़ी बनाने से पहले। और कढ़ाई आप देख सकते हैं नॉर्मल कढ़ाई नहीं है, गहरी नहीं है ये कढ़ाई, मुश्किल से 2.5 या 3 इंच गहरी होगी केवल। इसके अंदर पहले दूध को अच्छे से उबाला जाएगा, उसके बाद रबड़ी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई अपनी बिल्कुल भर दी गई है ऊपर तक दूध से, और अभी से अगली 5 मिनट तक बहुत तेज आंच पर पकाया जाएगा जिससे दूध अपना उबल जाएगा। तो कोई 5 मिनट हो चुकी है, दूध अपना उबाला जा चुका है, और अब उबला हुआ दूध देखिए बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ से उबला हुआ दूध बाहर निकाला जाएगा और दूसरी तरफ से कच्चा दूध कढ़ाई में डाला जाता रहेगा, और जैसे ही वो उबलेगा फिर उसे भी बाहर निकाला जाएगा। 2 ड्रम्स यहाँ पर पहले से ही भरे हुए रखे हैं उबले हुए दूध के, और ये 3रा ड्रम है जिसमें उबला हुआ दूध निकाला जा रहा है। तो हर दिन के अंदर कोई 400 किलो दूध से यहाँ पर रबड़ी बनती है, और वो सेम डे ही बिक जाती है। अभी देखिए 3रे ड्रम में भी दूध पूरा भर दिया गया है, अब यहाँ से दूध लिया जाएगा जिससे बनेगी अपनी रबड़ी। तो आप देख सकते हैं उबले हुए दूध से पूरी तरीके से भरा हुआ यह भगोना है जिसमें से दूध बाल्टी में निकाला जा रहा है, और अब यहाँ से फिर से लेकर जाया जाएगा कढ़ाई में, और इस बार कढ़ाई में इसको धीमी आंच पर पकाया जाएगा, और एक कढ़ाई में 10 किलो दूध डाला जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर कोई 15-20 कढ़ाई है जिनमें सब में 10-10 किलो दूध चढ़ा दिया जाएगा। उबला हुआ दूध कढ़ाई में आने के बाद देखिए छलनी की मदद से साफ किया जाएगा कि इसमें कोई गंदगी आ गई हो वो बाहर निकाल दी जाए। उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा, नीचे धीमी धीमी आंच जलती रहेगी जिसमें ये उबलता रहेगा खोलता रहेगा। और खास बात यहाँ पर रबड़ी बनाने की ये है कि थोड़ी देर के बाद इसमें पलटना बिल्कुल नहीं चलाया जाएगा, इसको नेचुरली सेटल होने दिया जाएगा। तो बीच बीच में से देखिए दूध अपना उबलता रहेगा और किनारों पे इसके मलाई इकट्ठी होती रहेगी। अभी आपको नजर भी आ रहा होगा किनारों पे हल्की हल्की मलाई जमने लगी है, और जैसे जैसे पकता रहेगा वैसे वैसे मलाई मोटी होती चली जाएगी। अभी दूध को कोई लगभग आधा घंटा हो चुका है पकते पकते, दूध अब गाढ़ा हो चुका है और इसके साइड में मलाई की अच्छी खासी मोटी लेयर आ चुकी है। अब इसमें चीनी डाली जाएगी, और ये भी यहाँ की खास बात है कि 10 किलो दूध में केवल 1 किलो चीनी डाली जाती है। तो बाकी जगहों की तरह यहाँ पर आपको बेहद मीठी रबड़ी नहीं मिलेगी, मीठा बहुत ही लाइट मिलेगा। चीनी डालने के बाद रबड़ी बहुत जल्दी गाढ़ी होती चली जाएगी, तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगी और रबड़ी अपनी कढ़ाई के अंदर तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी लच्छे वाली रबड़ी तैयार नहीं हुई है, वो प्रोसेस इसके बाद होगा। उसके लिए अब इस रबड़ी से भरी हुई कढ़ाई को नीचे उतारा जाएगा, और नीचे लाके इसे ठंडा किया जाएगा कोई आधा घंटा। अब देखिए आधा घंटा ठंडी हो चुकी है, अब इसमें जो साइड में अपनी मलाई की लेयर जमी थी देखिए उन्हें उतारा जाएगा। और आप उतारने का तरीका देखिए, मलाई की एक के ऊपर एक लेयर जमी थी साइड में, और उन्हें 2 पलटों से इस तरीके से भींच कर उठाया जा रहा है कि मलाई की वो लेयर्स आपस में चिपक जाएं, जिससे कि जब आप रबड़ी खाओ आपको लच्छे वाली फीलिंग आए। और ये जो पूरी की पूरी कढ़ाई में रबड़ी बनी है, इस सारी से लच्छा रबड़ी नहीं बनती है, केवल जो किनारे पर मलाई की लेयर्स इकट्ठी हुई थी उससे अपनी लच्छा रबड़ी बन रही है। जो बीच में रह जाएगी वो रहेगी नॉर्मल रबड़ी। जितनी भी ट्रे अपनी तैयार हुई है इन सभी को साइड में रख के इकट्ठा किया जाएगा जहां से ये जाएंगी शॉप में। और जो रबड़ी अपनी बीच में बची थी कढ़ाई के, उसे देखिए भगोने में खाली किया जा रहा है। ये नॉर्मल रबड़ी तैयार हुई है, और ट्रे में तैयार हुई है अपनी लच्छे वाली रबड़ी। अब दोनों ही तरह की रबड़ी देखिए, नॉर्मल रबड़ी से भरा हुआ भगोना भी और लच्छा रबड़ी से भरी हुई ट्रे भी, सभी यहाँ पे लोड कर दी गई है भैया के सर पे, जहाँ से लेकर जाएंगे शॉप में जिधर से कस्टमर्स को सेल की जाएंगी। तो हम भी चलते हैं भैया की शॉप में, जो कि 50 साल पुरानी शॉप है और हाथरस की लेजेंडरी शॉप है। और मिठाइयां आपने इतनी ज्यादा बिकती हुई देखी होंगी, लेकिन सिंपल रबड़ी एक दिन में 1 क्विंटल से ज्यादा बिक जाती है इस दुकान पर। प्राइस है इस रबड़ी का 270 रुपए किलो, और ये सर्व की जाती है कुल्हड़ में। तो अभी इसे टेस्ट करके देखा जाए कि आखिर ये इतनी फेमस क्यों है। बेहतरीन लच्छेदार बनी है, जो ये रबड़ी है आप जितनी जगह और कहीं रबड़ी खाएंगे उससे बहुत डिफरेंट है। पहली बात, रबड़ी और मलाई के बीच की चीज समझिए आप इसे, क्योंकि किनारे में जो मलाई इकट्ठी हो रही थी वो है, बीच में बहुत ज्यादा पकी हुई रबड़ी है। दोनों का मिक्सचर टाइप ऑफ चीज है, मीठा बहुत कम है, मतलब नाम मात्र का मीठा है, भयंकर टेस्टी, प्राइस बहुत कम, प्योरिटी से बनाई हुई, कोई मिलावट नहीं, बहुत मेहनत से बनी हुई। अगर आप हाथरस आ रहे हैं ये हन्नोलाला की रबड़ी जरूर खाइएगा, इतनी बेहतरीन रबड़ी आपको पूरे भारत में शायद ही कहीं खाने को मिले इतने कम प्राइस में। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, मुझे रबड़ी बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।